नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। सावन सोमवार के अंतिम दिन लगा महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता। आपको बता दें कि जयदेवपुर विधानसभा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव जहां भव्य महाकालेश्वर मंदिर में सावन सोमवार के अंतिम दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का भीड़ देखने को मिला है। दर्शन के लिए आसपास के गांव के लोग सुबह से ही मंदिर में जल चढ़ाने के लिए भीड़ में लग रहे थे। वहीं ग्राम पंचायत जमडी मालदा के समिति द्वारा प्रसाद का वितरण भी किया गया। इस बारे में मंदिर के पुजारी से बात की तो बताया कि आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिला है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप कश्यप क्या कहते हैं, आइए जानते हैं इस खबर के माध्यम से। सर, आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़, मैं आप मन के साथ संदीप कश्यप। सावन माह के अंतिम दिन आज मंदिरों में जाकर जो श्रद्धालु है वो पूजा अर्चना कर, इसी तारतम में आज जजपुर विधानसभा के एक छोटे से गांव जमड़ी में जहां विशाल मंदिर है जाकर जो श्रद्धालु है उनसे बात करते हैं और उस मंदिर के जो कब स्थापित हुआ है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया था कि एक छोटे से गांव में भव्य मंदिर है जिसके में महाकालेश्वर का स्थापित मूर्ति स्थापित किया गया। आप देख सकें किस प्रकार से यहां पर मंदिरों का जो विशाल मंदिर है वो बनाया गया है और जो श्रद्धालु है जो दर्शन के लिए यहां पर बहुत दूर दूर से आते हैं, उनसे हम बात करेंगे कि हम कहाँ जाते हैं और कैसा लगा सावन सोमवार जो अंतिम दिन है उसके बारे में। श्रद्धालु हैं उनसे बात करते हैं, क्या कहते हैं, कैसे पता चला कि यहाँ पर भव्य मंदिर है? ये तो जब इसका नींव डला रहा था तब से हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने आते थे। यही 5 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर है हमारा गांव, हरेठी कला से आते हैं। उतने दिन से हम लोग आ रहे हैं और ना जब पूरा ये बन गया, इसका कैसे कैसे तैयार हुआ है, तब से हम लोग यहाँ इसको देखते आ रहे हैं। सावन सोमवार का आज अंतिम दिन है, कैसा लग रहा है आप? हम लोग तो रहने के लिए तो अंतिम दिन है, लेकिन हम जो 8 सोमवार है सावन का, हर एक सोमवार को आते हैं यहाँ आकर हम सबको बहुत अच्छा लगता है। हमारे मेरी देवरानी जेठानी लोग भी हैं यहाँ पे, हम सब यही ये हरेठी कला है वहाँ से पैदल आते हैं और हर सोमवार को आते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं और यहाँ आकर बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो श्रद्धालु है वो नहीं आ पा रहे, उनको क्या कहेंगे, क्या संदेश दे जो यहाँ नहीं आ पा रहे? अभी तो मंदिर का उतना मतलब जितने भी श्रद्धालु हैं सुन सुन कर आ रहे हैं और मेरा यही है कि ये बहुत देखने लायक जगह है, बहुत अच्छा बना है यहाँ हमारा ये हरेठी कला महोत्सव क्षेत्र में ये जमड़ी गांव का मंदिर है। मेरा यही संदेश है कि सब लोग को यहाँ एक बार अवश्य देखने के लिए आना चाहिए। कैसे आए हैं? अभिराम जायसवाल आए हैं जो है पहली बार और बहुत अच्छा लगा मंदिर जो है, फैमिली और पूरे कैद बड़गड़ी जो है फिर ऐसे बगल ही गांव में है अपना गांव जो है कैथा, तो पता चला था कि अच्छा है मंदिर जो है, इसलिए हम लोग मंदिर के दर्शन करने परिवार के साथ हैं हम लोग तो जो है, और अच्छा लगा जो है।